Hey guys, welcome back to my channel. Let's talk about Alia Bhatt and her controversies with Divya. अब दिव्या ने क्या किया था ना, इसने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था सावी, और सावी जो मूवी थी वो भी कहीं और से उठाई हुई थी। लेकिन जैसे ही सावी का रीमेक बना, रीमेक भी क्या, उसी के जैसे बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लाइन से चुराई गई मूवी जिगरा बनाई गई, जिसमें आलिया भट्ट ने काम किया है, तो इस बात को मैडम दिव्या बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाई, क्योंकि उन्हें कैसे बर्दाश्त होता कि जहाँ से उन्होंने चुराया है वहीं से किसी और ने चुरा लिया। उन्हें तो लाइमलाइट में आना था, बेशक वो सावी की वजह से लाइमलाइट में ना आई हो, लेकिन किसी और की वजह से तो आएंगी ही ना, क्योंकि आलिया भट्ट के बारे में बोला जा रहा है कि आलिया भट्ट अपनी फ्लॉप मूवी को सुपर हिट जानबूझकर बता रही हैं, बल्कि लोगों की भी माने तो उन्होंने भी इसको फ्लॉप मूवी का ही दर्जा दिया है। किसी को भी आलिया भट्ट की परफॉर्मेंस, उसकी एक्टिंग उस मूवी में अच्छी नहीं लगी, लेकिन अगर आप बात करोगे उसकी तो वो तो तारीफ ही करेंगे, लेकिन अगर हम एक्चुअल में लोगों की बात सुने तो पता चलेगा स्टोरी पकड़ नहीं बना पाई। एक्शन मुझे बीच में ओवरलोडेड लगा, इट वाज वर्स देन आई थॉट इट वुड बी। मुझे लगता है कि थोड़ी और एक्टिंग उनकी और अच्छी हो। ये मूवी काफी नाम में रही इसलिए नहीं क्योंकि ये मूवी का काफी नाम रहा बहुत अच्छी मूवी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि इसमें फेक प्रमोशंस करवाए गए हैं, फेक रिव्यूज लिए गए हैं और फेक तारीफें की गई हैं, और दिव्या मैडम ने तो और ज्यादा सोने पर सुहागा का तड़का लगा दिया है। वो बार बार यही बोली जा रही हैं कि ये मेरी मूवी थी और मेरे जैसी मूवी को चुराया गया है, मेरी एक्टिंग की गई है, बल्कि एक्चुअल में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। आलिया भट्ट तो अपनी भी एक्टिंग करना भूल गई हैं, तो वो दिव्या की एक्टिंग कैसे कर सकती हैं? आई रियली डोंट गेट इट। तो सावी मूवी में भी उन्होंने इसी तरीके से परफॉर्म किया था दिव्या ने, और सेम यही मूवी का कॉन्सेप्ट आलिया भट्ट भी लेके आई हुई हैं। आलिया भट्ट जानी जाती हैं अपनी एक्टिंग और अपने स्किल्स को लेके। उनके अंदर जो ड्रेसिंग सेंस का स्किल है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। सभी को ही वो उनमें एक फैशन आइकन दिखने लगा था, जैसा कि आप देख सकते हैं बीच में ना जब उन्होंने शादी की थी उसके बाद से ही वो बहुत सेंसेशनल लुक बनाकर आने लगी थी। जिस तरीके के एक्टिंग्स, जिस तरीके के फेशियल एक्सप्रेशन एक एक्ट्रेस में होने चाहिए, चाहे वो कुछ भी कर रही हो, मतलब हमेशा ऐसा रहता ना, एक आइडियलिस्टिक वेट, एक आइडियलिस्टिक कलर, ये सब कुछ हमारे बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा चलता है, जिस पर कि आलिया भट्ट कायम रही हैं। बट लेकिन आप अभी रिसेंटली उनकी जितनी भी फोटोज़ देखेंगे ना, वहाँ पर वो स्पार्क, वो ग्लैम, वो सब कुछ गायब हो चुका है। ना तो उनके अंदर वो ड्रेसिंग सेंस रहा, ना ही वो ब्यूटी रही। आई डोंट नो क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग हो रहा है, क्योंकि अब जब उनकी एक्टिंग की भी बात की जाती है तो उसमें भी उनको दाद नहीं दी जाती, ना ही उनके कपड़ों को लेकर, ना ही उनके ड्रेसिंग सेंस को लेकर, और ना ही उनके बॉडी जेस्चर को लेकर, क्योंकि उनका जेस्चर इतना भी अच्छा नहीं रहता जितना कि लगता था। पहले आलिया भट्ट बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल मालूम लगती थी, बहुत अच्छे से सबके साथ बिहेव करती थी। बिहेवियर तो चलिए अलग बात है, लेकिन उनका जो प्रेजेंट होने का तरीका था वो काफ़ी अच्छा था। इनफैक्ट बहुत सारी लड़कियां उनसे इंस्पायर होती थी और उन्हीं की तरह अपने लिए भी कपड़े बनवाने के बारे में सोचती थी, एंड आई वॉज वन ऑफ देम। लेकिन अभी इनके कपड़े देखकर आई रियली डोंट थिंक सो कि ऐसा अब होगा। आलिया भट्ट हैज़ जस्ट अटेंडेड दिवाली बैच एट मनीष मल्होत्रा, तो उसने ना अपने मेहंदी का लहंगा जो था वो दोबारा से पहने था। बहुत अच्छी बात है, दोबारा से पहने कपड़े वापस से पहनते हैं, बट डिफरेंट स्टाइल के साथ जो कि हम पर सूट करे, उन पर वो मुझे तो अच्छा नहीं लगा। दिवाली पार्टी में बहुत सारे सेलेब्स आए हुए थे, उनमें से ना मुझे ऐसा लग रहा था कि आई डोंट थिंक कि अब इनका जो डिज़ाइनर है वो अच्छा है। लाइक अगर आप मनीष मल्होत्रा के यहाँ पर ही जा रहे हो तो कुछ अच्छे बन के जाओ ना। तारा सुतारिया को आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में सुंदरता की कोई वैल्यू नहीं है। आई नो कि वो एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं करती, बट यार एक्ट्रेस को कभी कभी सुंदर भी दिखना होता है, और वो बहुत सुंदर लगती हैं। एक्टिंग भी सीखी जाएंगी जैसे सभी सेलेब्स ने सीखी है। कृति सानन की अगर हम बात करें तो कृति भी आई थी इस लुक को लेकर। इस लुक के बारे में आप क्या कहना है आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं कृति को ऐसे अवतार में देख देख के बोर हो चुकी हूँ। प्लस यहाँ पर दिशा पाटनी, ओ गॉड, मतलब मैं इस वजह से नहीं कह रही हूँ कि ये बहुत अच्छी लग रही है, बल्कि मैं ये कह रही हूँ यार हमेशा सेम सेम, अगर आप देखोगे ना तो ये हमेशा ही सेम पहन के आती हैं, चाहे तो वाइट में होगा या गोल्डन में होगा, इसी तरीके का कुछ होगा। नेक्स्ट आती है हमारी परम सुंदरी, परम सुंदरी वो वाली नहीं बल्कि सुंदर वाली, हमारी प्यारी श्रद्धा कपूर।
जो जिनके लिए प्यारा सा गाना है इतना खूबसूरत, तो उसमें वो काफ़ी सुंदर लग रही हैं, रियली खूबसूरत तो लग रही हैं। तो इनको देखकर लग रहा है कि हाँ मैं किसी सेलिब्रिटी की फ़ोटोज़ देख रही हूँ, किसी हीरोइन को देख रही हूँ। मतलब देखिए, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सुंदर दिखने के लिए ज़्यादा मेकअप कीजिए या डीप रिवीलिंग कपड़े पहनिए। आप सुंदर दिख सकते हैं अगर आप खुद को अच्छे से कैरी करते हैं, अपना फैशन अच्छे से कैरी करते हो। रेखा भी अभी तक इतनी ज़्यादा ट्रेंड में रहती है क्योंकि वो खुद को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती है, शी हैज़ द ग्लैम। लेकिन अदर सेलेब्स को अगर हम देखें तो दे हैव लॉस्ट देयर ग्लैमरस लुक। उन्होंने अपनी एक्टिंग तो गवाई ही गवाई, साथ में उन्होंने अपना लुक भी बहुत अजीब कर दिया है। लाइक दे सीम्स नॉट इंटरेस्टेड इन देयर लुकिंग्स। अब वो खुद दिख ही नहीं रहे हैं कि वो कुछ अच्छा भी करना चाहते हैं। कुछ सेलिब्रिटीज़ अपनी मूवीज़ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, और लेकिन अगर उनसे वैसे कोई पार्टी टुगेदर में गेट टुगेदर करवाया जाए तो वहाँ पर उतना ज़्यादा अच्छा लुक नहीं आ पाता। बॉलीवुड में ना पहले से एक ट्रेंड सेटअप किया गया था कि टॉल लड़की हो और ऐसी दिखे, ये हो वो हो, तो हम लोगों का माइंडसेट भी वहीं जाता है कि चलो अगर आप एक्टिंग नहीं हमें दे सकते तो एटलीस्ट गुड लुक्स या फिर एक अच्छी जो ड्रेसिंग सेंस है वो तो दिखा दीजिए, ताकि हम लोग भी ना उसी को फॉलो करें। बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली हम लोग यही करते हैं, सभी यही करते हैं। जेनेलिया के अलावा मुझे कुछ एक आध लोग ही अच्छे लगे थे, और तो सबका फैशन सेंस जो था वो बिल्कुल बहुत पुराना, बहुत अजीब, मतलब उनके ऊपर भी नहीं जा रहा है। आप हर एक चीज़ अपने एज के अकॉर्डिंग, अपने कलर के अकॉर्डिंग और हर एक चीज़ देखकर ही करते हैं कि आपका वेट क्या है, एज क्या है, कलर क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप कपड़े को पहनते हैं या आपका डिज़ाइनर आपके लिए वो कपड़े सजेस्ट करता है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। कोई बंदा ऐसा बन के आया है कि वो दिवाली वाला लग ही नहीं रहा है, या फिर कुछ ऐसे बन के आए हुए हैं जो ऐसा लग रहे हैं करण जौहर की पार्टी में जा रहे हैं, बस कि चमचम पहन लिया और आ गए उठकर। सो यह आपको सबसे ज़्यादा अच्छा करण की तो नहीं थी, सॉरी, मनीष मल्होत्रा की पार्टी में कौन लगा, प्लीज़ ज़रूर बताइए।